students, how are you all? I hope all of you are safe and fine at home. इसके पहले हमने standard second maths में काफी सारे numbers से related concepts पढ़े हुए हैं. आज हम जो है थोड़े addition के sums यहाँ पे मैंने board पे लिखे हुए वो हम solve करेंगे. तो आपको क्या करना है, आपके maths के notebook में आपको भी ये sums पहले note down कर लेने हैं और इसको मेरे साथ साथ आपको भी solve करना है. तो जैसे आप सबसे पहले वाला सम लिख रहे 33 + 21, ये सम हमें जो है सॉल्व करना है. तो आप क्या करेंगे, हमेशा जो एडिशन का सम जब भी आप सॉल्व करते हैं तो उसको राइट हैंड साइड जो लास्ट डिजिट होती है वहाँ से ही उसको जो है सॉल्व करना स्टार्ट करना है. तो जैसे आपको हमें दिख रहा है दो नंबर्स दिए गए 3 and 1, तो हमें करना है 3 + 1. तो 3 + 1 कितना होता है, हमको पता है 3, और अगर उसमें हम 1 और ऐड करें तो हो जाएगा 4. तो यहाँ पे आ गया 4. अब हमें सॉल्व करना है उसके पास वाले डिजिट 3 + 2. 3 में और 2 ऐड करें अगर हम तो 3 के बाद 4 and 5. 3 में अगर 2 और ऐड करें तो होगा 5. तो हमारा आंसर होगा 54. 33 + 21 आंसर होगा 54. अब सिमिलरली हमें ये दूसरा सम जो है वो सॉल्व करना है, उसमें भी हम जो लास्ट डिजिट है उसको पहले सॉल्व करेंगे. जैसे 6 + 2, तो 6 में और 2 अगर हम ऐड करें तो कितना होगा, 6 के बाद और 2 यानी 6 के बाद 7 and 8. तो 6 में 2 ऐड किया तो हो गया 8. और अब है 4 और 3, तो 4 में हमें और 3 ऐड करना है, 4 के बाद 5, 6 and 7. तो 4 में हमने 3 ऐड किया तो होगा 7. तो हमारा 46 + 32 का आंसर होगा 78. अब हमारा नेक्स्ट सम है 81 + 11. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 + 1. तो 1 + 1 कितना होता है, तो 1 और 1 होगा 2. और ये है 8 + 1. तो 8 + 1 कितना होता है, 8 में हम अगर और 1 ऐड करें तो हो जाएगा 8 और 1 9. ये हमारा आंसर हो गया 92. सिमिलरली हमारा फोर्थ सम है 1 + 3. 1 और 3, तो 1 में और 3 हम ऐड करें तो 1 and 3 करें तो 4. और 5 + 2 करेंगे तो 5 + 2 होगा 7. ये हमारा आंसर हो गया 74. सिमिलरली हमारा नेक्स्ट सम में 5 + 2 करना है तो 5 और उसमें और 2 ऐड करो अगर आप, तो 5 के बाद 6 और 7. एंड 4 + 2 अगर आप करो तो 4 + 2 5 and 6. तो ये हमारा सम हो गया 67. तो आपको भी ये सम अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने एडिशन के सम्स आपके नोटबुक में कंप्लीट कर लिए होंगे. एडिशन मतलब आपको पता है कि हमने दो नंबर्स को जो है जॉइंट किया था, प्लस किया था, उसको ऐड किया था. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन, कि एक गिवन नंबर में से जो नीचे नंबर दिया गया है उसको कट करके जो रिमेनिंग आंसर है वो हमें जो है ये ब्लैंक्स में लिखना है. तो आपको इसमें भी पता होना चाहिए कि जो लास्ट वाली डिजिट है उसको हम पहले सॉल्व करेंगे, जो राइट हैंड साइड वाली डिजिट है उसको पहले सॉल्व करेंगे. कभी भी आगे से जो है आप सबको सॉल्व नहीं करेंगे. तो आपको क्या करना है, ये 5 सम्स पहले जो है आपके मैथ्स नोटबुक में बहुत ही क्लीन एंड नीटली लिख लेना है, उसके बाद हम ये सॉल्व करेंगे. आपको मेरे साथ साथ ये सम जो है आपके नोटबुक में सॉल्व करते जाना है. 9 - 6, तो 9 में से अगर आप 6 रिमूव कर दो, 9 में से 6 रिमूव कर दो तो कितना बचेगा, तो अगर आप 9 में से 6 रिमूव कर दो तो आपका बचता है यहाँ पे 3. आप फिंगर्स से काउंट करके भी देख सकते हैं कि 9 में से अगर आप 6 रिमूव कर दोगे तो बचेगा 3. सिमिलरली 2 - 1 कर दोगे, 2 में से अगर आप 1 रिमूव कर दोगे तो बचेगा 1. अब है सेकेंड सम 4 - 1, तो 4 में से अगर आप 1 कट कर दो, 4 में से 1 रिमूव कर दो तो आपके पास बच जाएगा 3. 4 - 2, 4 में से अगर आप 2 रिमूव कर दो तो बच जाएगा 2. नेक्स्ट सम हमारा 3 - 2, 3 में से अगर 2 कट कर दो
1 और 9 में से अगर 4 कट कर दो आप, 9 में से ये होगा हमारा 9, 9 में से अगर आप 4 कट कर देते हो तो बचता है 5। आप अगर चाहे तो बीट सर्कल बनाकर भी ये सब उसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 3 माइनस 2, तो 3 में से अगर आप 2 कट कर देते, 2 रिमूव कर देते तो बचता है 1 और 3 माइनस 2 1। अभी आपको क्या करना है, 6 में से 5 कट कर दो। अगर आप यहाँ पे आप ऐसे बीट्स बना करके देख सकते हैं कि 6 में से अगर आप 5 कट कर दो तो बचेगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। सिमिलरली 5 में से 4 कट कर दो, 1 2 3 4 5, 5 में से अगर 4 कट कर दो तो भी बचेगा 1। तो ये हो गया हमारे कुछ सब्ट्रैक्शन के सब, यानी कि गिवन नंबर में से आपको एक पर्टिकुलर नंबर को रिमूव करना है और फिर आपको जो आंसर है वो ब्लैंक में लिखना है। तो आई होप आपको ये सब भी समझ में आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ाया, तो आई होप आपको वो समझ में आया होगा। ऐसे बहुत सारे सम्स जो है वो आप अपनी नोटबुक में सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम जो है थोड़ा सा प्लेन शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, टू डायमेंशनल प्लेन शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हमारे आसपास जो चीज़ें होती है वो काफ़ी अलग अलग शेप्स, अलग अलग आकार की होती है। तो वो जो प्लेन शेप्स है, जैसे आपने सुना होगा स्क्वायर के बारे में, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, तो अलग अलग चीज़ें जो है अलग अलग शेप्स के बारे, अलग अलग शेप्स की होती है। तो आपको मैंने यहाँ पर पहले स्क्वायर शेप ड्रॉ करके दिखाया कि इस तरह का जो शेप होता है दैट इज नोन एज अ स्क्वायर। तो स्क्वायर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो मैं आपको बता देती हूँ कि स्क्वायर जो है उसमें कितनी साइड्स होती है। दिस इज वन साइड, टू साइड, 3 एंड 4, 4 साइड्स होती है, ये साइड्स है उसकी, दिस आर द साइड्स। तो स्क्वायर में जो है 4 साइड्स होती है और कॉर्नर्स जो है जो 1 2 3 एंड 4। तो स्क्वायर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें 4 साइड्स होती है और 4 कॉर्नर्स होते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है वो आपको इस शेप में दिखाई देती है। फॉर एग्जांपल एक ब्रेड की स्लाइस है तो वो भी आपको इस शेप की दिखाई दे सकती है। बहुत सारी चीज़ें आप अपने आसपास देख सकते हैं जो स्क्वायर शेप की हो सकती है, जिसका जो शेप है वो इस तरह का होता है। स्क्वायर की कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर की जो सारी साइड्स होती है वो कैसी होती है, इक्वल, यानी इक्वल लेंथ की, यानी सेम लेंथ की होती है। नाउ सेकेंड इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल शेप के बारे में भी आपको पता होगा, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है, उसकी भी कितनी साइड्स होती है, 4 साइड्स होती है, 1 2 3 एंड 4, 1 साइड, 2 साइड, 3 एंड 4 साइड्स होती है और 4 कॉर्नर्स होते हैं, 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स। लेकिन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स स्क्वायर से किस तरह से डिफरेंट है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती है वो सेम लेंथ की, ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। यानी कि ये साइड और ये साइड जो है वो सेम होगी और ये दो साइड जो ऑपोजिट साइड्स होती है वो जो है इक्वल लेंथ की, यानी कि सेम होती है। तो दोनों की जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी कि दोनों में 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स होते हैं, लेकिन स्क्वायर जो है वो उसकी सारी साइड सेम लेंथ की होती है, जबकि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स जो है वो सेम लेंथ की होती है। उसके अलावा ट्रायंगल है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, सैंडविच का जो शेप होता है वो ट्राइंगुलर शेप जो है आपको देखने को काफ़ी सारी आसपास की चीज़ों में मिलता है, जिसकी कितनी साइड्स होती है, 1 2 एंड 3 साइड्स, 1 साइड, दिस 2 साइड एंड दिस 3 साइड एंड 3 कॉर्नर्स, 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स इन अ ट्राइंगल। एंड लास्ट वन जो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, दैट इज अ सर्कल। तो सर्कल जो है वो आप काफ़ी सारे, जैसे आपकी बैंगल हो गई, सर्कुलर शेप, राउंड शेप बोलते हैं, दैट इज नोन एज अ सर्कल, CIRCLE सर्कल। तो सर्कल की
पड़ा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको इसके रिलेटेड जो PDF प्रोवाइड की जाए वो आपको घर पे इसकी प्रैक्टिस करते रहना है।